सो हाय गाइस, मेरा नाम अभिषेक और आप देख रहे हैं बाइक इन्फोटेक। आज हम एक दूसरे प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो ऑलमोस्ट सभी गाड़ियों में ही आएगा, इसके बिना तो गाड़ी की चलाने की कल्पना करना मुश्किल है। और ये है फोर्क कोन सेट या फोर्क बेयरिंग भी इसे कहते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं फोर्क कोन सेट। मैं आज इसका आपको सिर्फ एक ऊपर का रिव्यू बताऊँगा, बाकी जो इंटरनल चीज़ें होती हैं, जो मेन ज़्यादा एक्स्ट्रा खोल के बताने की चीज़ होती है वो आपको मैं, ये है फोर्क कोन सेट, इसे फोर्क बेयरिंग भी कहते हैं, जो आपकी गाड़ी के स्टेयरिंग का जो मूवमेंट होता है ना, लेफ्ट राइट, जैसे आपने ये स्टेयरिंग पकड़ा है इसका आप लेफ्ट राइट करते हैं ना, तो ये जो स्मूथनेस होती है ना, वो ये फोर्क कोन सेट ही देते हैं आपको। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, मैं इसे एक मिनट अनपैक करता हूँ, दूसरा पैक करता हूँ। ये सारी गाड़ी में होता है, और जब आपका स्टेयरिंग टाइट होता है या लेफ्ट राइट मूवमेंट में बहुत तकलीफ होती है आपको, तो ये फोर्क कोन सेट ही जाने का बहुत ही बड़ा रीज़न होता है। ये होता है फोर कोन सेट। ये दो सेट होते हैं, ऐसे एक अपर पार्ट हो गया, एक लोअर पार्ट हो गया। इन दोनों को आपको ऐसा लगाना होता है, और जो आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग मूवमेंट होता है वो ऐसे होता है जिससे आपकी जो स्मूथनेस होती है वो अच्छी रहती है। इसके अंदर क्या आता है देखिए, एक तो ये आता है फोर्क बॉल्स, इसे हम कहते हैं फोर्क बॉल्स। अगर किसी नॉर्थ साइड में आप देखेंगे तो इसे फोर्क के छल्ले भी कहते हैं। ये बॉल्स होती है, स्टील की बॉल्स होती है। ये गेज टाइप में है, यानी कि जो प्लास्टिक का नाइलॉन पीस दिख रहा है आपको, ये गेज टाइप है। आजकल ये गेज टाइप का चलन ज़्यादा है, क्योंकि मैकेनिक लोगों को इसमें ग्रीस लगा के एक एक बॉल्स रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, सीधा गेज में फिक्स किया गया बॉल्स सीधा रखा गया कोन में, और बस इसमें टाइट कर दो, हो गया काम। ये रोटेट ऐसे करता है, ये जो स्मूथनेस होती है ना, जैसे आपका लेफ्ट राइट जो स्टीयरिंग घूमता ना, वो इसी वजह से घूमता है। और इसमें काफ़ी सारे ब्रांड्स आते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया ये RMP का ब्रांड है, RMP है, गैब्रियल है, जोडिक्स है, GRD है, और रोलन के अभी नए लॉन्च हुए हैं, रोलन के हैं, एंड्योरेंस के हैं, काफ़ी सारे ब्रांड्स आते हैं। तो मैं आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा कि फोर कौन सेट कौन सी कंपनी का ज़्यादा बेटर रहता है। तो और अगर आपको इसके बारे में और कुछ जानना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में करिए, मैं इसकी डिटेल आपको वीडियो बना के दूंगा, ताकि आप इसके और आसानी से समझ सकें, और आपको मालूम तो पड़े कि आपकी गाड़ी में अगर फोर्क में दिक्कत हो रही है तो फोर्क में दिक्कत किस कारण हो रही है, ठीक है। और कुछ भी डाउट हो, कुछ भी कमेंट करना हो, पूछना हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और काफ़ी तरह के कौन सेट होते हैं, सभी गाड़ियों के अलग अलग होते हैं। अगर आपको ये भी जाना है कि कौन सी गाड़ी के लिए कौन सेट अच्छा रहता है, तो मैं नीचे कमेंट बॉक्स में करिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।